नंबर मिला न कतार। हैदराबाद में नादरा मुलाजमतों के लिए आए उम्मीदवार रुल के रह गए। वॉक इन इंटरव्यूज थे, इसमें हजारों नौजवान हाथों में फॉर्म और तालीमी असनाद लिए धक्के और लाठियां खा रहे थे। मजीद बता रहे हैं इरफान आरई अपनी रिपोर्ट में। इश्तहार लगा, उम्मीद जागी। हैदराबाद के नौजवान सुबह सवेरे से ही नादरा के दफ्तर पहुंच गए, लेकिन हुआ क्या, इंतजार तो तवील था मगर कतार न थी। खवातीन की सिर्फ वॉक हुई, इंटरव्यू न हो सका। हम यहाँ पे 9 बजे से खड़े हुए, लेकिन अभी तक लाइंस खत्म नहीं हुई, कोई तरतीब नहीं है। पहले अप्लाई कर प्रोसीजर देना चाहिए था, जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं ना, सिर्फ वही टेस्ट देने आते हैं। लड़कों ने दरवाजा ऐसा घेरा कि नुमाइंदा बोल भी हिचकोले खाता रहा। नादरा इंतजामिया ने कोई इंतजाम ही ना किया, पीने को पानी था ना बैठने को कुर्सी, मगर मिला तो सिर्फ कड़े मौसम में सख्त इंतजार। ऐसा तो मैनेजमेंट नहीं होता, हमने बहुत सारी देर टेस्ट दी है, लेकिन ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये सिफारिश पे चले जाएंगे नौकरियाँ, हम यहाँ पे जलील होंगे, खुआर होंगे, पसीना होंगे। टैक्स देते ना, जहाँ हम लोग पैसा भरते, जब लोग चालान जमा करते हैं वहाँ पर होता है, यहाँ पर इसी कोई सोल्यूशन में कैसा कुछ भी नहीं है, डिसिप्लिन ही नहीं है। जब बात हद से गुजरने लगी तो पुलिस को डंडा उठाना पड़ा, मगर डंडे कम थे बंदे ज्यादा। डिसिप्लिन और कतार में शनाख्ती कार्ड बनाने की तलकीन करने वाले नादरा के अफसरान आज हजारों नौजवानों को घंटों से सड़कों पर कतार में खड़ा किए बैठे हैं, और मकसद इन नौजवानों का मुलाजमत का हसूल है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आरई, बोल न्यूज, हैदराबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।